की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन हुई रेस। चौक चौराहे पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर, बिना मास्क लगाए लोगों को पकड़ कर कराया जा रहा है जांच। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर दिख रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम धनबाद शहर के चौक चौराहे पर कैंप लगाकर आरटीपीसीआर से कोरोना जांच कर रही है। खासकर जो बिना मास्क लगाए चल रहे हैं या बाइक, ऑटो, फोर व्हीलर से जा रहे हैं, उन लोगों को रोक कर व पकड़ कर कोरोना जांच किया जा रहा है। वहीं चौक चौराहे पर लगे कोरोना जांच कैंप से लोगों में हड़कंप देखा गया। कई लोग जांच के डर से भागते दिखे तो कई लोगों को जबरन पकड़ कर जांच किया गया। कोरोना जांच टीम के मजिस्टर अब्दुल गफ्फार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धनबाद शहर के चौक चौराहे पर 6 टीम काम कर रही है, जो बिना मास्क के चल रहे हैं उनका कोरोना जांच किया जा रहा है, और कहा कि जांच आरटीपीसीआर के द्वारा की जा रही है। साथ ही जिन लोगों की जांच हो रही है उनका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। जांच के शवाब को SNMMCH में जांच के लिए दिया जाएगा। एक सप्ताह में इनका जांच रिपोर्ट आएगा। जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनसे संपर्क कर कोविड सेंटर में इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। बता दें कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए धनबाद DC संदीप सिंह के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई निर्णय लिए गए, जिसमें अधिक से अधिक कोरोना जांच कराने, लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने, कोविड सेंटर और SNMMCH अस्पताल में पूरी व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया था। हमको उतारा, मास्क नहीं लगाए थे, और जो बिना मास्क से गाड़ी से ले लो उसका क्या? ठीक है, हम भी बीजेपी का टोटल टीम 6 है, टीम 3 आज यहाँ कैंपिंग किया जा रहा है, और बिना मास्क वाले को रिक्वेस्ट करके उनको जांच कोरोना टेस्ट किए हम लोग कर रहे हैं। विभाग का जो आदेश है, हर जो भी बिना मास्क करेंगे या 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, 3-व्हीलर, आम जनता जो भी जा रहे हैं उनको कराना अनिवार्य है। बिना मास्क का तीसरी लहर को देखते हुए उसको जोरदार से हम लोग कोरोना टेस्ट RT-PCR की जांच हो रही है, और जो सरकार का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग करेंगे। तो कैसे प्रक्रिया पूरा कैसे ले रहे हैं आप लोग, फिर उसका नाम एड्रेस? हाँ, उसका नाम है, नाम लिख रहे हैं, उसका एड्रेस लिख रहे हैं, उसका थाना लिख रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, और यहाँ तक लैंडमार्क भी लिखा जा रहा है। उसके तहत जो पॉजिटिव निकलते हैं उस तरह उनके थाना से और उसका मोबाइल नंबर से उसको कैच किया जाता है। अभी तक कितने लोगों से करवाया? अभी तक हम लोग जो लगभग कोरोना टेस्ट जो हो रहा है या RT-PCR जो होता है उसमें समय जांच में एक सप्ताह का समय लगता है, और उसमें जो है मिनिमम एक दो करके इस तरह का पॉजिटिव तीन बार जांच करने के बाद सैंपल को ये सारे करने के बाद इसे फिर लैब में जमा किया जाएगा, PMCF से फिर वहाँ से आपको पॉजिटिव निगेटिव का रिपोर्ट जब तक आएगा एक सप्ताह।